नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल भी बताया गया था फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स 2 शुरू हो चुका है। टाइम टेबल कल भी आप लोगों को बताया गया था, एक बार फिर से आज मैं यहां पर बता दे रहा हूं। सुबह 8 बजे आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं निखत मैम की तरफ से, शाम को 5 बजे करंट अफेयर्स आपको छत्तीसगढ़ के मिल रहे हैं मेरे द्वारा, और रात को 8 बजे सत्येंद्र सर और खुशबू मैम के साथ में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चंस। ये चलेगा मंडे टू सैटरडे तक, और इसके बाद संडे को आप लोगों को एक लाइव डाउट सेशन मिल रहा है, और इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और फैक्ट्स भी वहां पर आपको मिलेगा। फर्स्ट फेज चलेगा 8 जनवरी तक, उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट्स को उसमें स्टार्ट किया जाएगा। अब बात रही छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से रिलेटेड, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि हमारा जो साप्ताहिक करंट अफेयर वाला सीरीज चल रहा है, उसके साथ में हम लोग वक्त वक्त पर रिवाइज भी करते चलेंगे। एक हमने छमाही रिविजन सेशन शुरू किया था, उसको भी कंप्लीट किया था। अब आज से जो ये सेशन शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का, जिसमें आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली शाम को 5 बजे वीडियोस मिलेंगे, इसमें हम जनवरी 2019 से लेके अब तक के जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से परीक्षा में क्वेश्चंस बनने की बहुत अधिक तक संभावना होती है, उन सबको रिवाइज करेंगे एमसीक्यू बेस्ड पर। यहां पर आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पर करवाऊंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस यहां पर करवाए जाएंगे उन क्वेश्चंस के आधार पर आप बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। यह आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। और चूंकि पता है कि 9 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है, लगभग 40 दिन का वक्त बच गया है, तो अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है जितनी भी चीज़ों को आपने पढ़ा है उसका एक सटीक रिवीजन ही स्मार्ट स्टडी होता है। तो आप लोग फटाफट अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और इसके बाद रात को 8 बजे छत्तीसगढ़ जीएस का वीडियो मिलेगा, और ये सीरीज़ अब हमारा कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का ये सेशन कंप्लीट होगा, या फिर फेस वन जैसे ही कंप्लीट होगा, उसमें हम लोग नेशनल करेंट अफेयर में आ जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स को भी वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो आज का पहला वीडियो होगा, वो कुछ छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट स्कीम्स पे आधारित यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जैसा मैंने बोला, क्वेश्चंस आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते चलिएगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे साथ में हम लोग करते चलेंगे। लास्ट में कमेंट करके आप बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। दो बातें और मेरी समझ लीजिए। पहली बात ये कि जो भी छात्र मेरे साप्ताहिक करेंट अफेयर को शुरू से फॉलो करते आया है उनके लिए, और जो अभी तक आपने करेंट अफेयर नहीं पढ़ा है, उन दोनों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो पढ़ लिए हैं वो साथ में अब रिवाइज करते चलें, रिकॉल करने की कोशिश करें कि आपने ये कब पढ़ा था और इसका सही आंसर क्या होगा। और जो छात्र पहली बार करेंट अफेयर्स को देख रहे हैं या अभी तक अपने करेंट अफेयर नहीं पढ़ा है, तो वो लोगों को क्या करना है कि अब से लेकर जितने भी छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर के वीडियोज़ आएंगे, फर्स्ट फेस में जितने भी 10 से 12 या 15 वीडियोज़ हो सकते हैं, उन सबको करके बिल्कुल आप लोगों को जाना है। यहाँ से अगर आपने जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसके आसपास या फिर ऑप्शन में भी जो आएगा उसको एक्सप्लेन भी मैं करते चलूँगा। तो यहाँ से अब आप लोगों को करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, ये क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करके जाना, क्योंकि बहुत मैक्सिमम चांसेस है, बहुत क्वेश्चंस को छांट कर या एनालिसिस करके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इस फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज में, तो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को कर तो जाइएगा ही जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वीडियो जो है आज का, ये छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का सेट वन, इसमें हम लोग कुछ स्कीम्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना पूरे प्रदेश में कब से शुरू किया गया? ऑप्शन है 15 सितंबर, 18 सितंबर, 2 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर 2019। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, साथ में हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करते चलते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ता हूं वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद आंसर एक पेज पर लिखते चलिए, और लास्ट में बस कमेंट करके इतना बता दीजिएगा कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, सोच लीजिए। हाट बाजार क्लिनिक योजना पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू किया गया, महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर। प्रदेश सरकार द्वारा कितनी स्कीमों को शुरू किया गया था? टोटल 5 स्कीम को शुरू किया गया था, उसमें से एक था हाट बाजार क्लिनिक योजना। क्या ये हाट बाजार क्लिनिक योजना, हालांकि ये इस योजना को शुरू किया गया था जून 2015 में ही, लेकिन सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर था, लेकिन पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू किया गया।
प्रदेश के जितने भी वनांचल या फिर दूरस्थ एरिया हैं, उन दूरस्थ एरिया में जो हाट बाजार लगते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उस हाट बाजार में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैया करवाया जा सके, इसलिए हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू किया गया प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है, जल शक्ति अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जल शक्ति अभियान। आप लोगों को बताया कि इस साल बहुत वाटर क्राइसिस देखा गया गर्मी के मौसम में। इस वाटर क्राइसिस में सरकार की तरफ से कुछ पहले की गई, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल था जल शक्ति अभियान। इस अभियान के तहत में भारत के जितने भी जिले हैं और जो सबसे ज़्यादा पानी से ग्रसित जिले हैं, उन जिलों में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था, ताकि वहाँ पर जागरूकता फैलाया जा सके या फिर वहाँ पर रिसर्च किया जा सके कि यहाँ पानी की कमी किस प्रकार से है। तो इसलिए जल शक्ति अभियान के तहत में छत्तीसगढ़ के भी 2 जिलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से वो 2 जिले थे, हमने बहुत बार पढ़ा है। एक था आपका रायपुर जिला और दूसरा आपका था बालोद। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, जल शक्ति अभियान के बारे में भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 50 इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होंगी? हाल ही में भारत सरकार की तरफ से टोटल 600 इलेक्ट्रिक बसों को वितरित किए जाने का फैसला लिया गया है। आप लोगों को पता है कि भारत सरकार जो है फेम इंडिया मिशन के तहत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही हैं पूरे देश में। उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के तहत में जब 600 बसों को पूरे देश में वितरित करने का फैसला लिया गया फेम इंडिया योजना के तहत में, तो उसमें से इस 600 बसों में से 50 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं रायपुर को दिए जाने का फैसला जो है फेम इंडिया योजना के तहत में केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था। ठीक है, साथ में मैंने जैसे बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन करते चलिएगा, तो आप लोग भी करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितनी योजनाओं का शुभारंभ किया गया? जैसा कि मैंने अभी आपको हाट बाजार क्लिनिक योजना वाले में बताया था ना कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर टोटल 5 स्कीम शुरू किए गए थे। याद रखिएगा, उस 5 स्कीम के मैं यहाँ पर नाम बताते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था सुपोषण अभियान। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। ठीक है, तो ये दूसरा याद रखिएगा। तीसरा क्या था? तीसरा स्कीम था यूनिवर्सल PDS स्कीम। ठीक है, चौथा क्या था? मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। पांचवा क्या था? मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। तो इस तरह से 2 अक्टूबर 2019 को 5 स्कीम्स अनाउंस किए गए थे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ये 5 स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसलिए 2 अक्टूबर को जो 5 स्कीम शुरू किए गए वो बहुत आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किस जिले से की गई? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मिनी माता अमृत नल जल योजना। इस योजना की घोषणा जो है बजट आपका 2019 और 20 में किया गया था। इस योजना के तहत में शुरुआती पहले चरण के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया था। इस योजना के तहत में आने वाले 2 सालों में 5,30,000 BPL परिवारों को मुफ्त में पानी का कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था करना था। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, BPL परिवारों को 2 सालों में 5,30,000 ऐसे परिवारों को जो है मुफ्त में पानी का कनेक्शन देना था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? घोषणा तो 2019 में हो गया, शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत हुआ समोदा ग्राम, और ये आता है आपका दुर्ग जिले में। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑप्शन है ऑपरेशन तलाश, ऑपरेशन डीप, ऑपरेशन मोरलैका, ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, तो इसका मैं सही जवाब बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान को इसी साल मई 2019 में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की तरफ से शुरू किया गया था।
इस योजना के तहत में छत्तीसगढ़ के जितने भी गुमशुदा बच्चे थे, चाहे स्टेट में हो चाहे स्टेट के आसपास पड़ोसी स्टेट में हो, वहाँ से ढूंढ कर लाना था। और हाल ही में एक रिपोर्ट भी आया था छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से, उन्होंने कहा था कि हमने 1500 गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकाला है ऑपरेशन मुस्कान के तहत में। तो इस तरह से जो कैंपेन चलाए जाते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से कैंपेन के बारे में भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को करना है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली आदिवासी सर्किट परियोजना की शुरुआत किस राज्य से हुई, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो इसका जवाब तो आप लोगों को पता है, छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्वदेश दर्शन स्कीम है क्या। सबसे पहले वही समझ लेते हैं, स्वदेश दर्शन स्कीम को 2015 और 16 के बजट भाषण में अनाउंस किया गया था। दो स्कीम एक साथ किया गया था, स्वदेश दर्शन स्कीम और प्रसाद स्कीम। दोनों स्कीम का ऑब्जेक्टिव था देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना। स्वदेश दर्शन स्कीम का तात्पर्य यह था कि देश भर में जितने भी सेम थीम वाले टूरिज्म प्लेसेस हैं उनको डेवलप करना। जैसे अब मान लो रामायण परिपथ मतलब कि भगवान राम से जुड़ी जितने भी देश भर में प्लेसेस हैं उनको, या महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उनको एक ही सर्किट पे लाके डेवलप करना। उसी तरह से आदिवासी परिपथ, यानी कि कौन कौन से राज्य आदिवासी टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है, तो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। तो इस तरह से इन सारी जितने भी टूरिज्म प्लेसेस हैं उनको एक परिपथ पे लाकर विकसित करना स्वदेश दर्शन स्कीम का ऑब्जेक्टिव था। तो आदिवासी परिपथ की जो शुरुआत हुई वो आपका हुआ कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहाँ से हुआ, आपका धमतरी से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। इतना बस ध्यान रखिएगा, ये हो गई आदिवासी परिपथ में जो कि इस क्वेश्चन में था। अब स्वदेश दर्शन स्कीम से ही रिलेटेड यहाँ पर एक और लिंक समझिएगा, हाल ही में स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत रामायण परिपथ को भी डेवलप करने की घोषणा की गई, किसकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। और इस रामायण परिपथ में छत्तीसगढ़ के एकमात्र जिले को शामिल किया गया, उस जिले का नाम था जगदलपुर या फिर बस्तर कह लो, ठीक है। तो एक दूसरे से लिंक करते चलिएगा, ताकि लिंक करते चलोगे तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगा चीज़ों को रिवाइज करने में, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस को साथ में करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के बनने के बहुत अधिक तक संभावना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर छत्र मोर बिजली योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चालू वर्ष 2019-20 के लिए कितना बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा मोर छत मोर बिजली योजना, ये है क्या। तो सबसे पहले समझ लीजिए, इस योजना को शुरू किया गया था मई 2019 में। इस योजना को एक मिशन के तहत में शुरू किया गया था, उस मिशन का नाम था आपका जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन योजना। इस योजना के तहत में पूरे देश भर में 2022 तक जो है 175 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। और इसी योजना के तहत में छत्तीसगढ़ जो है वर्ष 2022 तक 600 मेगावाट सोलर उत्पादन करने का क्षमता रखी है, और वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए लक्ष्य है 50 मेगावाट तक। और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के तहत में 300 सरकारी भवनों का चयन भी किया गया है। इन 300 सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उस पैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, मोर छत मोर बिजली योजना किस मिशन के तहत में शुरू किया गया है, 2022 तक प्रदेश सरकार का लक्ष्य क्या है, और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भी प्रदेश सरकार का लक्ष्य क्या है, और कब शुरू किया गया है। मोर छत मोर बिजली को योजना को एक और नाम से जाना जाता है, वो भी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से इतने पॉइंट्स को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि योजना से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है। आप लोग एक काम करते चलिएगा, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे या फिर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, यहाँ से आपको हेल्प मिल रहा होगा,
तो आप इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद जो आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलो लाइन नामक एक अभियान शुरू किया गया, यह अभियान निम्न में से किस उद्देश्य के साथ में चलाया जा रहा है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, गर्भवती महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए, युवा पीढ़ी को तंबाकू के आदि होने से बचाने के लिए, कुपोषण खत्म करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो एलो लाइन कैंपेन जो है छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया था युवा पीढ़ी को तंबाकू से आदि होने से बचाने के लिए। स्कूल्स के बाहर में, कॉलेजेस के बाहर में कैंपेन शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से अगर कोई युवा जो है वहाँ पर तंबाकू का सेवन करता है तो उसको जागरूक किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ में जो है एलो लाइन कैंपेन चलाया गया था छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी शहरी आवासहीन निर्धन व्यक्तियों के स्थायी व्यवस्थापन की अवधि को बढ़ाकर 19 नवंबर 2018 निर्धारित कर दिया? ऑप्शन है राजीव गांधी आश्रय योजना, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी आश्रय योजना, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी आश्रय योजना, या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी आश्रय योजना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा अगर आपने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाला वीडियो रेगुलर रहा होगा, तो इसका सही जवाब जो है वो राजीव गांधी आश्रय योजना होगा। इस योजना के तहत में जो शहरी क्षेत्रों में आवासहीन निर्धन व्यक्ति हैं और उनके लिए जो अलॉटमेंट की व्यवस्था थी उसकी अवधि को बढ़ाकर 19 नवंबर 2018 तक कर दिया था, यानी कि उस अवधि तक जितने लोगों ने भी रजिस्टर करवा लिया था उसके तहत में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत में उन्हें जो है आवास मुहैया करवाया जा सकता था, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ये राजीव गांधी आश्रय योजना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद जो कल वाला वीडियो है इसमें भी कुछ स्कीम्स के क्वेश्चंस करवा दूंगा, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का जो पूरा रिविजन सेशन है आपको इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर को नहीं पढ़ा है तो ये जो भी फास्ट ट्रैक रिविजन के माध्यम से हम लोग जो रिवाइज करवा रहे हैं सिर्फ इसको करके चले जाइए, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपने पहले पढ़ रखा है तो अब वक्त है रिवीजन करने का, तो यहाँ से आप लोग रिवाइज करते चलिएगा। और इसके बाद जो न्यू अपडेट आ रहे हैं हाल फिलहाल में वो सारे छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर वाले वीडियो में हम लोग साथ में करते चलेंगे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर वाला वीडियो हमारा कभी नहीं रुकेगा, प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा उसके बाद भी स्टार्ट रहेगा क्योंकि उसके बाद हमारा मेंस स्टार्ट होने वाला है, तो वो सीरीज़ चलते रहेगा। और इसके बाद जैसे मैंने फिर से एक बार टाइम टेबल बता दे रहा हूँ, सुबह 8 बजे पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, शाम को 5 बजे छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स के, रात को 8 बजे वीडियो मिलेगा आपको सत्येंद्र सर का, आज का वीडियो होगा छत्तीसगढ़ जीएस का, छत्तीसगढ़ जीएस में आप लोगों के साथ में खुशबू मैम भी करेंगी। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे फिर से 5 बजे छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स के साथ में, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के और क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।